अमीरों के घर खाने के वक्त मेहमान आ जाएं। अरे अंकल आ गए। अरे भैया अंकल आ गए। अंकल अंकल आज आ जाओ। अरे अंकल आज आ जाओ, ये सामान मुझे दे, आप खाना खाए हमारे साथ। वाह बेटा, मेरे आने से पहले ही खाना तैयार करवा लिया। अरे भैया आप काफी दिनों बाद आ रहे हैं, आप इधर बैठो, पहले खाना खा ले, बाकी बातें बाद में करते हैं। अरे बेटा देख क्या रहे हो, अंकल को खाना डाल के दो। ओह नो। बेटा इसकी क्या जरूरत थी, रोटी लो। बेटा तुम भी खाओ। नहीं नहीं अंकल आप खाएं, मैं बाद में खा लूंगा। बेटा अंकल से जूस कभी पूछ लो। अंकल कौन सा जूस पियोगे, अनार का जूस, आम का जूस, केले का जूस या नारियल का जूस? ये तो कौन सा ले लो। अरे अंकल आपने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे बेटा खाना तो मैं घर से खा के आया, बस तुम लोगों का कहना माना है। और गरीबों के घर खाने के वक्त जब मेहमान आ जाए। ओह नो। अरे ये खाने के वक्त घर में कौन आ गया? बेटा देख क्या दरवाजे पे कौन आया है। अरे अंकल। हाँ? खाने की खुशबू आ रही है, लगता है घर में गोश्त बना हुआ है, भूख भी लगी हुई है, पहले खाना खा लेते हैं। ओह नो। भैया यहाँ पे बैठो, गोश्त खाओ, रोटी दे। अरे इस कमीने को भी आज ही आना था, देख देख कैसे खा रहा कमीना। खा तो ऐसे रहा है जैसे इसके बाप के पैसे लगे। रोटी तो खाओ। नहीं नहीं मैं भोजन खा लूंगा थोड़ी सी। पूरे महीने के बाद आज गोश्त पकाया, उस दिन भी ये कमीना टपक पड़ा। ऐसे ही रहा तो ये सारी बोटियां खा जाएगा, कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे। अंकल ये क्या हो गया? अंकल वॉशरूम पास है, वहाँ जाके कपड़े धो लो। नहीं नहीं बेटा मैं दूसरे कपड़े साथ लाया हूँ, खाना खाने के बाद पहन लूंगा। अरे कैसा बगैरत इंसान है, ढीट बन के खाई जा रहा है, बस उठने का नाम नहीं ले रहा। देखते कैसे ठूस रहा है, दिल करते है इसके ऊपर ट्रक चढ़ा दूं। अरे कमीने आखिरी बोटी बच्ची हुई है, इसे तो हमारे लिए छोड़ दे। हाँ? आ। ओह नो। अरे कमीने, महीने के बाद हमने गोश्त बनाया था, वो आके तू सारा खा गया, और आखिरी बोटी बची थी वो भी तूने कवे को डाल दी। छोड़ दे इसे, आज की बात नहीं आएगा। छोड़ूंगा नहीं आज तुझे। छोड़ दे इसे। अरे बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ तुम्हें? अरे बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ठीक है भैया अब मैं चलता हूँ। कमीना सारी बोटियां खा गया, कहा भी था आज गोश्त नहीं पकाते। Ha ha ha!